एक गांव में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट का नाम था स्वीटी रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का मालिक था पंकज। उस गांव में वो रेस्टोरेंट बहुत मशहूर था। पंकज की एक बेटी थी स्वीटी। पंकज की वो जान थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी का ही नाम रेस्टोरेंट के लिए रखा। स्वीटी रेस्टोरेंट में कई किस्म के नॉन वेज आइटम्स मिलते थे। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन कबाब, फिश फ्राई, ऐसे एक क्या अनेक आइटम्स मिलते थे वहां पर। और हाँ, सब बहुत स्वादिष्ट होते थे। एक दिन उस रेस्टोरेंट वाले जमीन का मालिक भाटिया अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के पास आया और देखो पंकज भाई, मैं इस जमीन पर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। मैं इनके साथ पार्टनरशिप में बना रहा हूँ। एक महीने के अंदर इस जगह को खाली करना होगा। आई एम वेरी सॉरी भाई। पंकज दंग रह गया। पर ऐसे कैसे भाटिया साहब, यूँ अचानक कहेंगे तो खाली कैसे कर पाएंगे? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब वैसे भी इतनी सी जगह पर आप शॉपिंग मॉल कैसे बनाएंगे? भाटिया भाई, तुमसे मतलब, वैसे तुम्हें इतना टाइम देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक एक महीने के अंदर अंदर खाली कर देना, वरना मुझे आकर गर्दन पकड़कर बाहर धकेलना होगा। यूं कहकर चला गया। तब पंकज घर पहुंचा और अपनी पत्नी से ये सब कुछ कहकर दुखी हो रहा था। तब पत्नी, आप हिम्मत से काम लो, इसी गांव में किसी और जगह पर रेस्टोरेंट खोल लेना। अब जहाँ भी रेस्टोरेंट खोलोगे, लोग आपके पास आकर खाएंगे और खुश होंगे। पंकज, तुम सच कहती हो, लेकिन उस वक्त मैंने ये रेस्टोरेंट किसी और से सस्ते में खरीद लिया था। अब अगर मुझे रेस्टोरेंट बनाना पड़े तो काफी पैसे खर्च होंगे और मेरे पास इस वक्त उतने पैसे नहीं है। मुझे किसी बैंक से लोन लेना होगा। अगले दिन से वो बैंक के चक्कर लगाने लगा लोन लेने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी बैंक मैनेजर लोन देने से इनकार करने लगा। ये देखकर पंकज को डर लगने लगा। पंकज अपने आप से, ये क्या, मेरा और इस रेस्टोरेंट का काफी नाम है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों लोन नहीं देना चाहते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक महीने बाद पंकज ने अपने रेस्टोरेंट को ताला लगाया। उसे आखिरी बार देखकर भाटिया के हाथों में रेस्टोरेंट की चाबी थमाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब पंकज वहाँ से गुजरा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहीं पर न्यू स्वीटी रेस्टोरेंट के नाम पर भाटिया ने रेस्टोरेंट खोल रखा था। वहाँ जाकर पंकज उनसे लड़ने लगा। भाटिया, ए ज्यादा बकवास ना करो, मैं चाहे माल बनाओ या ना बनाओ, तुमसे मतलब, मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम कोई कॉपी नहीं किया है। उसके सामने न्यू रखा है ना, दिखाई नहीं देता, आंखें नहीं है। ज्यादा बकवास ना करो, नहीं तो मार खाओगे। तब पंकज, अच्छा यानी मेरे रेस्टोरेंट का धंधा सारा तुम छीनना चाहते हो? ये बहुत गलत है भाटिया साहब। तब भाटिया, हाँ हाँ जरूर करूंगा, छीन लूंगा, क्या कर लोगे? एक बात बताओ, तुम्हें कोई बैंक लोन नहीं दे रहा ना? वो भी मेरा ही प्लान है, तुम क्या उखाड़ लोगे? अरे इस गांव को छोड़ के जाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तब पंकज घर गया। अपने पत्नी को सब कुछ बताकर काफी उदास रहने लगा। पत्नी, जी हाँ, वो मकान मालिक आया था, कहने लगा कि किराया नहीं भरा है, घर खाली करो। अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, कहीं और चले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मजदूरी करके गुजारा कर लेंगे। याद है ना, कल स्वीटी का जन्मदिन है। कल पहाड़ियों पर माता जी का जो मंदिर है वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अब जो होगा माता रानी देख लेगी। अगले दिन पंकज अपने परिवार के साथ बाइक में पहाड़ी मंदिर की ओर जाने लगा। रास्ते में सामने से एक ट्रक तेजी से आई और उनके बाइक से टकरा कर वहाँ से चली गई। तब तीनों एक खाई में गिर गए। किसी के जान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन तीनों बेहोश हो गए। जब तीनों ने आंखें खोली और देखा तो वो एक जंगल में थे। तीनों यूं पैदल जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक जंगली कबीले का बच्चा एक गड्ढे में गिरा हुआ था और जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था। ये देखकर पंकज ने एक बहुत बड़ा डंडा उस बच्चे को थमाया। उस लड़के ने उस डंडे को पकड़ा और धीरे से बाहर निकलाया। उसने पंकज को प्रणाम किया और अपने साथ आने को कहा। यूं उन्हें लेकर वो लड़का कबीले के ओर गया। उस लड़के ने कबीले वालों को बताया कि कैसे वो गड्ढे में गिरा और पंकज और उसके परिवार वालों ने किस तरह उसे बचाया। तब कबीले का सरदार पंकज से, सरकार आपने इस बच्चे को बचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा करके आप हमारा मेहमान नवाजी स्वीकार करें। तब पंकज ने ठीक है कहा और प्रणाम किया।
तब पंकज ने देखा कि एक जगह जमीन पर आग लगाकर ऊपर डंडों में मुर्गियों को बांधकर उन्हें भून रहे थे। तभी कुछ और कबीले वाले पेड़ों से पत्ते तोड़कर उस आग में डाल रहे थे। तब एकदम से सफेद धुआं उठा और उन भून रहे मुर्गियों को घेर लिया। बाद में जब पंकज और उसके परिवार वालों ने उन मुर्गियों को खाया तो उसके स्वाद देखकर वो हैरान रह गए। कबीले के सरदार ने पंकज को ढेर सारा सोना और हीरे इनाम में दिया। वो लेकर तीनों वहाँ से चल पड़े। बाद में पंकज ने स्वीटी ढाबा के नाम पर एक नया ढाबा खोला। वहाँ उसने बोर्ड लगाया स्मोक चिकन। वहाँ पंकज ने सबके सामने नीचे जमीन में आग लगाकर ऊपर मुर्गियों को लटकाकर जंगल से लाए हुए हरे पत्तों को डालकर स्मोक चिकन बनाकर लोगों को खिलाने लगा। उसका स्वाद लोगों को इतना अच्छा लगा कि थोड़े ही दिनों में स्वीटी ढाबा में बहुत लोग आने लगे। इस तरह पंकज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।